सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. हेलो मूड इंडिगो, इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक हियर. वैसे सर यहाँ आके ऐसा नहीं लगता कि हम भी थोड़ा पढ़ लिख लिए होते, ज्यादा तो दीवार के उस बाजू पे होते. मेरे पास बहुत सारे लोग काम करते जो वहां से पढ़ के इधर. अच्छा एक चीज ये बता दीजिए, कितने लोग हैं दोस्त हु लव अनुराग कश्यप? आई लव यू टू. सर आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए थोड़े से शूट नहीं करते हैं, तो ये किस तरह से इस फिल्म का आइडिया आया? मैं पर प्यार मोहब्बत की फिल्में पहले भी बनती थी. भाई वासेपुर को देख के गालियां किस किस ने सीखी थी बताओ. अभी इस फिल्म को देख के प्यार मोहब्बत कौन कौन सीखेगा ये भी बताओ. अरे ठीक है तो जरा बताइए. अरे ये तो इनके बारे में ना, ये तो ये इस जनरेशन की फिल्म है कि ये लोग प्यार ऐसे करते हैं जैसे कि अंधेरा. फिल्म का नाम रखा तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ये पॉडकास्ट है तो फिल्म जो है एक पॉडकास्ट के राउंड है, वो पॉडकास्ट का नाम है जो फिल्म का टाइटल है. और गानों का खूब चर्चा हो रहा है, खूब तारीफ हो रही है. गाना भी हम यहाँ लॉन्च भी करने वाले हैं और डांस भी करवाएंगे आपको उस गाने पे. तो म्यूजिक के बारे में कुछ आपके एसोसिएशन? मतलब म्यूजिक हमारी ऐसी थी कि म्यूजिक हम लोगों को पहले अपने आप को इस गाने पहली बार अपने एल्बम किया है जिसमें पोएट्री को अपने साइड में किया. पहले हमने कहा इट हैज टू हैव द लिंगो ऑफ, तो शैली अपने बेटे के साथ बैठ के लिखता था. अमित त्रिवेदी है, इनको पसंद आएंगे तो ऐड होंगे ना. आपने बनाया, आप पर ही तो कॉन्फिडेंस है, आप पर तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. हम तो म्यूजिक के साथ मजे करते हैं. वी ऑलवेज प्ले विद द म्यूजिक और लकीली एंड फॉर्चुनेटली इट ऑलवेज रीचेस आउट टू पीपल. तो अब बुला लेते हैं लीडिंग लेडी जो है अलाया है. सो लेट्स वेलकम गाइस विद अ ह्यूज चीयर. अलाया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. दांत वांत ठीक हैं आपके? दांत सब ठीक हैं. इनका दांत खराब हो गया, इन्होंने कार्तिक आर्यन की जिंदगी खराब कर दी थी फ्रेडी में. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. थैंक यू. चेयर्स फॉर अलाया. सबसे पहले लास्ट ईयर शानदार रहा और इस साल तो शुरुआत ही अनुराग कश्यप के साथ हो रही है जी. अच्छा मैंने सुना सबसे पहले शुरुआत एक्चुअली यहाँ ही हुई थी. नहीं मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि पहली फिल्म तो आपने इन्हीं की साइन की थी. करेक्ट. और अभी चार साल बाद ये फिल्म फाइनली आ रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. तो ऐसा क्यों हुआ कि डिले कैसे हुई सर? पैंडेमिक और प्लस जब फिल्म देखोगे तो समझ में आएगा. फिल्म में जिस तरह का कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स को चेंज होने में भी समय लगता है. और पैंडेमिक तो हमारी शूटिंग थी, बीच में आके हमारी शूटिंग रोक दी थी पैंडेमिक ने. अच्छा अलाया वैसे ये बड़ा क्लीशे सा सवाल है, मुझे लगता है इसे बैन कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस फिल्म को अनुराग कश्यप बना रहे हैं मैं जरूर पूछूंगा. अनुराग के साथ काम करने का एक्सपीरियंस टेरिफाइंग तो नहीं है? बड़े मतलब टास्क मास्टर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली अनुराग सर इज वन ऑफ द ईजीएस्ट डायरेक्टर्स टू वर्क विद क्योंकि लेकिन अनुराग सर की डायरेक्शन जो है बहुत स्पॉन्टेनियस है, इन द मोमेंट है. हाँ बहुत थैंक यू. तो जब मैं अनुराग सर के साथ काम कर रही थी इट वॉज ऑलवेज इन द मोमेंट. तो मैं अनुराग सर को बहुत बार पूछती थी कि मैं प्रेप क्या करूं इस फिल्म की. फिल्म का नाम पे प्यार भी है, मोहब्बत भी. अनुराग सर ने लड़कियां कौन सी उम्र में देखनी शुरू की थी? कौन सी उम्र? 16 साल की उम्र. सर सही है ना, बीच की मांग निकालनी आपने शुरू की थी. एडिडास के थर्ड मतलब पुराने जूते आपने इकट्ठे करने शुरू किए थे. वो तो है. 16 साल की उम्र में कॉलेज में गया था पहली बार. मैं बॉयज हॉस्टल से निकल के कॉलेज में गया था पहली बार लड़की. तो वो एक्सपीरियंस जरा शेयर कर दीजिए इनमें से बहुत लोगों के साथ. वो अभी तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि अब तो स्कूल ही कोएड हो गए. हाँ वो अलग ही था. बस एबी पास के जूते पहनता था मैं. तो हीरो साहब को भी बुला लेते हैं. वेट कर रहे हैं. करण मेहता के लिए जोरदार तालियां प्लीज वेलकम. हाय करण.
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रैंड लॉन्च अनुराग कश्यप के साथ, अलाया एफ के साथ। तो सबसे पहले लक कैसा रहा? लक कैसा रहा? नहीं नहीं, आपको लक कैसा रहा? नहीं, लक तो आपका अच्छा ही है अभी। लक मतलब अनुराग कश्यप के साथ फिल्म भी कर रहे हैं, आईआईटी में भी खड़े, लक तो आपका नो डाउट कि शानदार है। जी वो भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझको अनुराग सर के साथ काम करने में मिला। 6 साल इसके खा लिए मैंने, 6 साल लगे हैं। और मैं अनुराग सर को 2016 में मिला था, तो उस समय कुछ हो नहीं पाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि वर्कशॉप कर लो और बहुत सारी क्लासेस करवाई, और करते कराते 2019 में हमने शूटिंग स्टार्ट की। और बस अब फाइनली हम लोग प्रेजेंट कर पा रहे हैं, टीजर दिखा रहे हैं, म्यूज़िक आ गया है और लोग म्यूज़िक वीडियो देखने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पता ना अनुराग सर ने जिस जिसको लॉन्च किया है वो आज कहाँ पे है, तो ऐसा कुछ अंदर से फीलिंग आती है कि अभी 2-4 साल बाद? जी मतलब आती तो होगी, आती तो नहीं। ऑनेस्टली इनके साथ काम करके ये है कि मेहनत करनी, अगर वहाँ पर जाना भी है तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलता। तो इनसे ये सीखा है कि मेहनत करो बस, और किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, काम करते रहो। और मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ, ये सीखा है। ठीक है, बैठ जाते हैं। बहुत मेहनत आपने वैसे भी की है, थक गए होंगे, बैठ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हम आप लोगों से भी लेंगे, तो अपने सवाल रेडी रखिएगा, और जरा अलग तरह के सवाल होने चाहिए तो मजा आएगा। और बहुत सारे सवाल मुझे जो है भेजे भी गए हैं, जो स्टूडेंट्स ने ही आप लोगों के लिए स्पेशली लिखे हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग सर, आपकी लाइफ में कोई डीजे मोहब्बत है? मेरी लाइफ में डीजे आप करण से भी पूछ सकते हैं, अनुराग सर से भी पूछ सकते हैं, मैं बहुत एडवाइस देती ही रहती हूँ। ये गो टू पर्सन है थेरेपिस्ट। आप में से किस किस की लाइफ की डीजे मोहब्बत है, अलाया है, जरा बताइएगा। हो सकती लेकिन मैं इनको बहुत एडवाइस देती हूँ, अनुराग सर को और करण को। वो पूछते भी नहीं है तो भी एडवाइस देते रहती हूँ। करण, आपकी लाइफ में कोई डीजे मोहब्बत? जैसा इसने बोला, एक तो ये हो गई,